नमस्कार। जम्मू लद्दाख कश्मीर की राजनीति में अनेकों अफसर शाहों ने सेवानिवृत्ति के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों को ज्वाइन किया। अब एक बार फिर से चुनावी बयार जम्मू कश्मीर में बहने की पूरी तैयारी है, पहले लोकसभा के और जब भी विधानसभा के चुनाव हों। इसी को देखते हुए अब अनेकों राजनीतिक दलों में अलग अलग अफसर शाह शामिल होने शुरू हो गए हैं। इनमें ज्यादा नहीं, हम थोड़ी बात करेंगे, वो करेंगे जम्मू कश्मीर के तीन टॉप ब्यूरोक्रेट, तीनों ही चीफ सेक्रेटरी रहे जम्मू कश्मीर सरकार में और तीनों सेवानिवृत्ति के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों में शामिल हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में दो IAS वरिष्ठ अधिकारी श्री विजय बकाया और श्री शेख गुलाम रसूल गए और कांग्रेस में श्री बेली राम कुंडल। MNC के तौर पर तीनों ही की भूमिका में वो कुछ नहीं था जिसकी आम जनता को उम्मीद थी। चूंकि विधान परिषद एक ऐसा स्थान होता है जहां पर नए आयाम दिए जाते हैं, मगर इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। अब चूंकि चुनावी बयार फिर बहने लगी है और इसके लिए अब एक बार पुनः कई अफसर शाह शामिल हो गए हैं। इनमें से प्रमुख हैं BR कुंडल, जो पहले ही कांग्रेस के कहने पर कांग्रेस के टिकट पर MLC बने थे और उसका श्रेय जाता था गुलाम नबी आजाद को। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद श्री बेली राम कुंडल ने कांग्रेस की टिकट पिछले विधानसभा के चुनाव में मांगी और कांग्रेस ने RSपुरा से नहीं दी। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और काफी शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह महाराजा करण सिंह की बनाई धर्मा ट्रस्ट में प्रमुख पद पर रहे। अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनकी ज्वाइनिंग पर यह कहा है कि वो जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं और उन्हें टिकट दी जाएगी। बात करें कोई और ब्यूरोक्रेट्स की, खास करके जो पिछली PDP की सरकार में शामिल थे मगर अब PDP से निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं कि आम जनता को ये उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी सीटों पर कब्जा करेगी और इसीलिए महबूब इकबाल और कुछ नेता जो बने थे वो PDP से निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इन सभी पर कुछ ना कुछ गंभीर आरोप हैं। और इसके बाद कई पुलिस अधिकारी भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, उनके पाक दामन तो नहीं है। क्या इन सभी को जनता फिर दुलारेगी या इनको कहीं चुनाव में टिकट दे दिया जाता है तो इनको पिछाड़ देगी, ये तो जनता ही फैसला करेगी। मगर एक बात निश्चित है कि अभी तक जितने भी ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर से अलग अलग राजनीतिक दलों में आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि उनका नाम सुनहरे शब्दों में लिखा जाए। नमस्कार।